नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीते दिनों G20 सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए थे। उस तस्वीर के बाद से देश की राजनीति में यह हलचल तेज हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और NDA का हाथ थामने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जी मौजूद हैं। रविकांत जी, क्या नीतीश कुमार को NDA के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से आमंत्रण भेजा जा रहा है? क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आने वाले दिनों में सच हो सकता है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? जी, नीतीश कुमार का जैसे पिछले 10 सालों से जो बैकग्राउंड रहा है वह कभी न कभी सबको लगता है कि नीतीश जी अब इधर आ जाएंगे, अब उधर चले जाएंगे। ये अब आम जनमानस में एक मतलब फिट हो चुका है ये बात। तो ये बात जो भाजपा के नेता डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो जो शीर्ष नेतृत्व है, वो अमित शाह 3 महीने पहले और जो भी दौरा हुआ है 2 महीने पहले तक का, पिछले दौरे के अगर छोड़ दें तो उन सभी में वह कह रहे थे कि दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं नीतीश कुमार के लिए, सभी दरवाजे अब बंद हैं जी। मगर जो NDA के जो घटक दल हैं, जैसे एक महाराष्ट्र के आए थे यहाँ रामदास अठवले, अभी RLJP के हैं पशुपति पारस, तो इन लोगों पे कोई बाध्यता नहीं है, इन लोगों की अपनी पार्टी है, इसलिए ये लोग पूरी स्वतंत्र रूप से बोल देते हैं कि नीतीश कुमार NDA के हिस्सा हूँ और नीतीश कुमार NDA के हिस्सा होंगे। मगर भाजपा के नेता दबी मतलब कि इसका विरोध करते हैं। अभी तक जो बातें समझ में आई है, जैसे सुशील मोदी हुए, ऐसे तमाम नेता जो हैं वो विरोध कर देते हैं कि भाई हम तो ऐसा नहीं बोल रहे, ये हमारे घटक दल हैं जी। तो इससे कई कयास और भी तेज हो ही रहे हैं जी। दूसरी तरफ JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह भी बयान दिया था कि नीतीश कुमार BJP पे थूकने भी नहीं जाएंगे जी। तो लेकिन अब जो अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच जो तीखी बहस हो गई थी, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच कुछ खटपट चल रही है। तो क्या ललन सिंह नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले हैं? ये तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, मगर जो भी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका एक नीतीश कुमार को ही छोड़ दें, तब जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, RCP सिंह, ये जो तीनों चारों जो अध्यक्ष रहे हैं और भी एक आध अध्यक्ष और रहे हैं, तो इन लोग जब जब अध्यक्ष बने हैं तो कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके इनका क्रम और भी नीचे चला गया और धीरे धीरे इनकी राजनीति समाप्त ही हो गई, कुछ इस प्रकार हुई। तो ये अंदेशा भी है। और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोई भी पार्टी में, जैसे अभी अशोक चौधरी के साथ हो रहा है, कोई भी पार्टी में चले जाइए या किसी घर में भी, तो हम पार्टी की ही बात लेते हैं, तो एक पार्टी में कई धड़ा काम करता है और कई गुट गट ये सब बन जाते हैं वहाँ पर काम करते करते, क्योंकि वहाँ पर टॉप आपको दिखना है, इनको दिखना है, इनको दिखना है। और जब अध्यक्ष कोई बनता है तो अब जैसे नीतीश कुमार पार्टी के नेता हैं, ये सर्व कह सकते हैं कि सभी लोग जानते हैं, मगर ललन सिंह जब अध्यक्ष बने और जब RCP सिंह जब अध्यक्ष थे, तो ये दूरी बढ़ जाती है क्योंकि ये दोनों की कार्यशैली, नीतीश कुमार बिहार संभालेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी देखेंगे, तो फिर ललन सिंह उस वक्त करीबी थे नीतीश जी के, पास में रहते थे, समय पूरा बीतता था, तो धीरे धीरे करके साथ आए और RCP सिंह बाहर चले गए। ललन सिंह अब थोड़ा दूरी है, वो पार्टी को देख रहे हैं और नीतीश कुमार अपना बिहार के सरकार को देखते हैं, बाकी और देश भर में घूमते फिर रहे हैं अभी विपक्ष के नाते, वो एक अलग विषय है। तो उसके बाद दूरी बनता है और बीच में कई नेता जो आसपास रहते हैं, जैसे कि अशोक चौधरी हो गए, संजय झा हो गए, और भी नेता हैं, विजय चौधरी तो काफ़ी अरसे से, 2 दशकों से 1.5 दशकों से उन्हीं के साथ ही हैं, पहले कांग्रेस में रहे हैं, अशोक चौधरी भी पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मगर जो अभी जो हालिया जिस प्रकार से बातें आई है और बयान आया है, उससे ये लग रहा है कि पार्टी में गुटबाजी काफ़ी चरम पर है। तो इसका अंदेशा है कि पार्टी में टूट हो सकती है, ललन सिंह किनारे जा सकते हैं। अभी थोड़ा जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन जो देखने के लिए मिला है अशोक चौधरी और नीतीश कुमार का, तो इन दोनों का जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला है, तो इससे ललन सिंह की परेशानी, बिल्कुल ये बात सही है कि ललन सिंह की परेशानी बढ़ सकती है जी। अगर इस तरीके से ललन सिंह की परेशानी बढ़ती रही तो क्या ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार से पहले ललन सिंह ही NDA का हाथ थाम लेंगे? जी, ये बातें अभी, जैसे एक आपने बातें कही कि ललन सिंह बोले कि BJP पर कोई थूकने भी जाएगा क्या, तो ऐसी कई बातें कई नेताओं की, नीतीश कुमार हों, जैसे कि वो कहते थे कि भाजपा को देश से भगाना है, फिर हम लोग देखे थे कि 2017 में किस प्रकार से एक साथ आके दोनों सरकार चलाए थे भाजपा के साथ, नीतीश जी बीच विधानसभा चुनाव भी लड़े, ललन सिंह भी ऐसे बातें बोल चुके हैं नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, और भी ऐसे वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार भी
बोल चुके हैं लालू प्रसाद यादव पर, जंगल राज, आतंक राज ऐसी कई बातें। दो दशकों तक ये काफ़ी कड़वाहट भरा दौर चला था, मगर परिस्थितियाँ कब किसको एक कर देती है राजनीति में और फिर वो जुड़कर काम करने लगते हैं। कौन जानता था कि लालू नीति से एक होकर राजनीति को अंजाम देंगे और भाजपा के खिलाफ एक बड़ी देश में नेतृत्व की मुहिम यहीं से ये दोनों मिलकर चलाएंगे। तो ये बातें हैं कि जिस प्रकार से अभी ललन सिंह बोल रहे हैं, भविष्य में हम देखेंगे कि कभी भी किधरों जा सकते हैं, इस पर कोई शक नहीं। कोई कह रहे हैं कि ललन सिंह अभी RJD के करीब चले गए हैं, और ललन सिंह इतने मैच्योर्ड नेता हैं और कह सकते हैं कि इतना लगभग 3 दशकों से नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं, और बिहार के कभी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बाद ताकतवर नेता ललन सिंह है, और तोड़ जोड़ में कोई पार्टी को तोड़ जोड़ और ऐसी कई गतिविधियों में ललन सिंह की संलिप्तता देखी जाती है। तो ललन सिंह NDA के संपर्क में है, ये जब तक तय नहीं हो जाएगा तब तक ये कहा नहीं जा सकता। एक बात ये अभी चल रही कि ललन सिंह संपर्क में है, ज़्यादा नीतीश से ज़्यादा RJD के संपर्क में है, तो कहीं जब दो तरफ जाएगी। एक बात नीतीश कुमार ही बोल चुके थे संजय झा और अशोक चौधरी के बारे में कि इन दोनों ने मिलकर हमें भाजपा में ले गए थे, यानी 17 के वक्त का, और इस बार ललन सिंह उधर ले गए हैं। एक कड़वाहट यह थी कि ललन सिंह को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया थे भाजपा वाले, ये कड़वाहट उनके मन में शायद होगी और राजनीति में रहनी भी चाहिए कि भाई हमको वो नहीं दिया तो हम भी तोड़ दिए, तो तोड़ के अपना उधर ले गए। तो ऐसी बातें चलती रहेगी जब तक कि वो पूर्ण रूप से उधर न चले जाएं या वो लोग उधर ना आ जाएं। जी, ये बताएं। अगर हम बात करें अमित शाह की, तो जैसा आपने कहा कि जब पिछली बार वो बिहार दौरे पर आए थे तो हर बार की तरह इस बार उन्होंने ये नहीं कहा था कि BJP के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा बंद है। साथ ही उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार की तुलना तेल और पानी से की थी और कहा था कि लालू यादव के साथ जाके नीतीश कुमार ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, लालू यादव को तेल बताया था उन्होंने, जिसके बाद तेली वाले बयान पे भी काफी विवाद हुआ था। तो क्या अमित शाह ऐसा कह के, ऐसी तुलना करके कोई इशारा कर रहे थे आने वाले किसी बदलाव के बारे में? देखिए, अमित शाह बिहार आए थे और उनके पहले के भाषण में और अब के भाषण में, और BJP के टॉप लीडर के जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से उनकी मित्रता जगजाहिर है, कोई यहाँ पर कोई कितनों कह ले नीतीश कुमार को, मगर जब केंद्र की राजनीति, तो भाजपा जो देख रही है अभी मोटा मोटी कि हमको देश में एक प्रधानमंत्री बनाना है, अब उसके लिए किसके लिए दरवाज़ा बंद करेंगे नहीं करेंगे, उनको बस ये देखना है कि भाजपा और NDA को किससे फ़ायदा है, ये बातें महत्वपूर्ण रह जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग देखे थे जम्मू और कश्मीर में जिसको आतंकी पार्टी बोलती थी भाजपा, उसके साथ गठजोड़ की, मिल बैठ के सरकार चलाई, और बाद में सब लोगों ने देखा भाजपा का एक उद्देश्य रहता है और वो उसका सेंट्रल का उद्देश्य, उसका बिहार पर ध्यान कम है, और यहाँ के नेता तो विरोध में रहते हैं नीतीश कुमार के, क्योंकि वो लोग 1.5 दशकों तक रहे, और नीतीश जी कभी राता-राती बेरोजगार कर देते हैं, कभी कभी सुबह होते हैं शपथ ले लेते हैं, तो ये नीतीश कुमार का पॉलिटिकल स्टाइल रहा है, इससे ये लोग उबे हुए हैं। और जनता में भी जाइएगा तो जनता जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग मिलकर सरकार नहीं चुनते हैं जी। जब भी देखिएगा आधे लोग तो वोट ही देने नहीं जाते हैं, 60% तो मत ही होता है, तो एक आधा आधी समझ लीजिए, और आधे में भी आधे का ही समर्थन एक घटक दल को रहता है, तो 20-25% मत काफ़ी है एक मुख्यमंत्री को सर्वसम्मति से चुनने के लिए। तो इसके कारण जब पब्लिक ओपिनियन करने जाएंगे तो नीतीश कुमार के विरोधी ज़्यादा दिखेंगे, और नीतीश कुमार के समर्थक और वोटरों का एक तादाद यह भी है कि उनके वोटर दिखते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, वो सीधे बटन जाकर टिकते हैं। और ये भी बातें कि नीतीश कुमार इधर से उधर इतना बार कर लिए हैं कि उनका एक विश्वसनीयता काफ़ी खतरे में है कि अब उन पर विश्वास कौन करे। इसका एक कारण है कि INDIA ये अलायंस उनको नेशनल कन्वीनर नहीं बना रहा, और भी ऐसी कई बातें हैं जो नीतीश कुमार के प्रति अविश्वास जगाती है, मगर भाजपा को तो ये विश्वास है कि नीतीश बाबू एक बार इधर आएंगे, और 24 लोकसभा के पहले हम लोग देखेंगे कि नीतीश कुमार किधर भी रह सकते हैं, इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ये बयानबाजी लोग भूल जाएंगे, फिर कट ऑफ क्लिप करके मीम बन के ये तमाम बयानबाजियाँ वायरल होगी कि फलाने सिंह ने ये बोला, जैसे लालू जी का बयान चलता होगा नीतीश जी के खिलाफ, तेजस्वी का बयान चलता होगा नीतीश के खिलाफ, नीतीश का बयान चलता हो, तो ये बयानबाजियाँ चलती रहेगी। मगर 24 लोकसभा के वक्त के लिए भाजपा की जो नेशनल, जो कह सकते हैं राष्ट्रीय टीम है, कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि जब नीतीश जी इधर जाएंगे उधर डूब जाएंगे, मगर जो वोट प्रतिशत है, ऐसा तो बात नहीं है कि 10-12% भी मत लाने के लिए नीतीश उतने काबिल नहीं है, 10-12% मत वो ला सकते हैं, क्योंकि 14 लहर में भी वो 15-16% मत लाए थे, इसका एक बड़ा उदाहरण था 14 लोकसभा, और उस समय और अभी का RJD का वोट आप अगर जोड़ दीजिएगा तो भाजपा यहाँ पर मुश्किल में है बिहार में, बाकी देश भर में उसका एक हवा है, वोट है, वो एक अलग विषय, मगर बिहार में बिना नीतीश के बिहार में भाजपा कमजोर रहेगी जी।
अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार कम से कम एक बार तो पलटी मार ही सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है जब तक नीतीश कुमार और ललन सिंह साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।